इदु मिसमी कम्युनिटी को क्या आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट करके हम लोग को भी टाइगर बनाना चाहता है क्या? हम लोग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? हम लोग का कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज नहीं है क्या? जबकि हम अपील कर रहे हैं बार बार। आज का डेट में जो डिबंग वैली का जो जगह वो आधा 50% पूरा रिजर्व टाइगर रिजर्व में जा रहा है, ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहेगा और हम होने भी नहीं देगा। जब तक हम यहाँ बैठा हुआ है हम कतई होने भी नहीं देगा, गलती से भी भूल से भी होने नहीं देगा। आज का मुद्दा मेन रीज़न क्या है हम लोग आज मीटिंग यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग आज की प्रेस ब्रीफ दे रहे हैं, यही एक वजह है कि जैसे कि लास्ट स्पीकर जो बोला था कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक छापा गया था, न्यूज़ दिया गया था कि हम लोग का दिबांग वैली पे हम लोग का टाइगर रिजर्व होने जा रहा है, डिक्लेयर करने जा रहा है, तो वो बेसिस में उसको लेके हम लोग रिप्लाई अपना साइड से हम लोग का कम्युनिटी वाइज में हम लोग देगा बोल के। ऐसा आई एम ऑल इदु मिसमी स्टूडेंट का अपेक्स बॉडी होने के नाते आज हम लोग यहाँ बैठा हुआ है और आज हम लोग अपना एक दो बात यहाँ रखेगा बोल के आज आया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग से बिगिनिंग से हम लोग का आई एम सू का टीम जितना भी हम लोग का मेम्बर्स लोग है हम लोग ने हमेशा इसको नज़र पे रखा है और हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको कोऑपरेट कर रहा था। एंड देन हम लोग का जो फर्स्ट एक स्टेप था हम लोग का जो रिसेंटली वो निकला था, एक नोटिस निकला था जिसमें हम लोग का दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली को वहाँ में रहने वाला हम लोग का कम्युनिटी को एक बदनाम का तौर पे एक लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि जो टाइगर का जो हंटिंग है होता है वो हम लोग को वहाँ हो रहा है। लेकिन हम लोग ने इसको गो थ्रू किया है अच्छा से, हम लोग का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है स्पेशली हम थैंक यू बोलना चाहेगा हमारा प्रेसिडेंट सर एंड हम लोग का एडवोकेट सर लोगों, हम लोग ने कोऑपरेट किया और हम गो थ्रू किया स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग ने आगे बढ़ा। तो हम लोग इसको देखा है तो लास्ट में ये हम लोग का कम्युनिटी में नहीं था, हम लोग का साइड से हम लोग का जगह से नहीं था, बल्कि ये जो हंटिंग किया गया था ये चीज़ दूसरा जगह दूसरा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। तो हमको लगता है कि ये स्टार्टिंग से गवर्नमेंट का एक प्रोपोगेंडा रहा है हम लोग का जगह को हम लोग का जो मिसमी बैल को वो करने के लिए एक प्री प्लान किया गया है, हमको ऐसा लगता है। तो हम आज इसलिए आया है यहाँ, इसलिए बैठा है, हम अपोज करता है हम टाइगर जो रिजर्व जो हम लोग का दिबांग वैली में होने जा रहा है उसको हम अपोज करता है। तो ऐसा करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप गया, कल का डेट में भी जो जिसको हम लोग ने वो कराया था अरेस्ट कराया था वो आसाम में वो ले लिया अपना ट्रांसफ़र ले लिया वहाँ जेल पे, वहाँ से वो शायद बेल कैंसिल कराने के लिए वो कर रहा था। तो हम लोग ने यहाँ से हम लोग का जो हम लोग का एडवोकेट सर जो इबो मिली जो एडवोकेट है उसने वहाँ जाके आज ऑब्जेक्शन डाल के आया। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग ये चीज़ में ये मुद्दा में हम लोग नज़र डाल ही रहा था और हम आज का डेट में हम यहाँ इसलिए बैठा है अपना कम्युनिटी का आवाज़ हम स्पेशली आज आप लोग का मीडिया पर्सन आप लोग का इस मैसेज आप लोग का हम ये रखना चाहता है, हम स्पेशली हम लोग का जो गवर्नमेंट है अरुणाचल का जो गवर्नमेंट हम उसको टेक करना चाहता है, हम उसको अपना कम्युनिटी का आवाज़ वहाँ तक हम पहुँचाना चाहता है, इसलिए आज हम यहाँ बैठा हुआ है। हम ये बताना चाहता है कि हम ये बोलना चाहता है कि हम लोग का वहाँ में जो दिबांग बेल पे स्पेशली दिबांग बेल पर जो टाइगर रिजर्व को लेकर जो चल रहा है जो इश्यूज चल रहा है उसमें ये आज से नहीं बहुत काफ़ी समय से चलते आया है। तो इसको हम ऐसा भी नहीं है कि पहले से हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, अपने जब जब हम लोग को मीटिंग बुलाया था एंड हम लोग का साइड से भी एक अच्छा से नोटिस जारी हम लोग ने अपना पेपर वर्क करके हम लोग ने हमेशा ये चीज़ को हम लोग आगे रखा है, हमेशा हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग दरख्वास्त करके रखा है, हम लोग रिक्वेस्ट किया है दरख्वास्त किया था कि हम लोग का जो पेपर से डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी आप लोग एक बार देखिए, लेकिन इस लोग का टोटल इग्नोरेंस रहा है ये चीज़ में। तो हम आज यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि देखिए हम लोग का जो जगह है हम लोग का जो आज का डेट में जो दिबांग वैली का जो जगह वो आधा 50% पूरा रिजर्व टाइगर रिजर्व में जा रहा है, ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहेगा और हम होने भी नहीं देगा। जब तक हम यहाँ बैठा हुआ है हम कतई होने भी नहीं देगा, गलती से भी भूल से भी होने नहीं देगा। और हम लोग का वैसे तो हम लोग का जमीन आधा तो NHPC वाला लोग ने खाई दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आधा जा रहा है एंड देन टाइगर रिजर्व्स
कोपा एक्ट हो गया, बहुत सारा ऐसा बहुत सारा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स लोग है, एंड देन ये लोग हम लोग का ऑलमोस्ट हम लोग का दिबंग वैली का 85% खा रहा है, तो कल का डेट में हम लोग कहाँ बैठेगा? हम लोग का आइडेंटिटी सिर्फ जमीन का बात नहीं, हम लोग का पूरा आइडेंटिटी, हम लोग का जो रीति रिवाज है, 50% हम लोग जंगल से ही हम लोग डिपेंड हो गया, हम लोग यहाँ बैठा हुआ, इसलिए हम लोग लोअर दिबंग वैली का हम लोग को ट्राइबल मानना चाहता है। तो कौन सा बेसिस में हम लोग मानेगा कि आप लोग हम लोग का जगह को, आप लोग आके हम लोग का जगह को आप लोग फॉरेस्ट डिक्लेयर, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दीजिए? वो हम लोग चाहेगा भी नहीं, एक कुछ कहीं एंगल से भी हम लोग ये चीज़ मानने वाला नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि देखिए, सबसे पहला बात हम आपको ये बोलना चाहेगा कि जब से चला है वहाँ पे, जब से ये प्रोग्राम ये इशू चला है वहाँ पे, वहाँ का ऑथोरिटी, वहाँ का कंसर्न्स, पब्लिक फिगर से लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना भी है वहाँ में, सबका एक प्रॉपर स्टेटमेंट हम लोग आज सब यहाँ में जितना भी फाइल्स में है, सब कागज में हर एक स्टेटमेंट क्लियर से दिया गया है कि नहीं, प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं हुआ है, प्रॉपर उसमें आप लोग का जो लाइन, जो बाउंड्रीज है वो सेट नहीं किया गया है। तो आप कौन सा बेसिस में आज हमको बताइए, हमको जानने माने, आप लोग कौन सा बेसिस में आज वहाँ डिक्लेयर करने जा रहा है? वहाँ में एक प्रॉपर वे में एक वहाँ में जितना भी वहाँ का जो पब्लिक फिगर्स है, जो वहाँ में आपका जो अथॉरिटीज लुक है, ना ही आप लोग वहाँ से कंसर्न लिया है। अगर आप लोग कर किया भी है तो कौन सा बेसिस में किया, ये हमको जानने मन है। आज हम यहाँ, हम यहाँ जितना बैठा हुआ है, हम सबको, सिर्फ हम लोगों ने, हम लोग कम्युनिटी को एक प्रॉपर रीजन, एक प्रॉपर वैलिड वाला स्टेटमेंट चाहिए आप लोग का साइड से। और आज हम ये भी बोलना चाहेगा कि देखिए, जो आज जिस जगह पे आज टाइगर रिजर्व हो रहा है, एक्चुअली वो जगह में टाइगर नहीं रहता है, हम लोग का कम्युनिटी लैंड में टाइगर वहाँ रहता है, वहाँ आता है, वहाँ आके हम लोग का जो मैथुन्स लोग, हम लोग जो पाल के रखा हुआ है उसको खा रहा है। तो जो जगह में टाइगर रिजर्व किया गया है वहाँ जगह नहीं, तो कल का डेट में जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व, जहाँ जहाँ टाइगर जाएगा, तो आप वो चीज़ को, वो जगह को आप टाइगर कॉरिडोर बोल के आप डिक्लेयर करने से तो नहीं होगा। हम लोग का बस्ती में अगर घूमने लग गया तो वो उसको भी आप टाइगर रिजर्व में क्या काउंट कर देगा क्या? कल आप लोग का, आप लोग का ये प्रोपेगेंडा है कि आप लोग का ये चलेगा हम लोग को भी टाइगर बनाने का, हम लोग भी इंसान है, और हम लोग का कंसर्न ये है कि हम लोग का जितना भी होल कम्युनिटी, हम लोग जितना भी हमें मिस बैठा हुआ है, इधु मिस लुक बैठा हुआ है, हम लोग का आप किसी से भी पूछ लीजिए, आगे यहाँ में कोई भी मानेगा नहीं टाइगर रिजर्व के लिए। तो हम बस यही जानना चाहता है कि आप लोग कौन सा बेसिस में आप लोग टाइगर रिजर्व को, हम ये चीज़ इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम ये चीज़ इसलिए जानने मने, आप लोग कौन सा बेसिस में वहाँ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने जा रहा है, जबकि वहाँ का हर किसी को अंदाजा ही नहीं है। आप मिसकंसेप्ट मिसलीड रहा होगा जो लास्ट टाइम का, जो प्रीवियस समय जो DFO लोग वहाँ बैठा है, जो रेंजर्स लोग वहाँ बैठा हुआ है, वो लोग का मिसगाइड मिसलीड का दौरान आज ये केस बहुत समय से, मोर देन 20 ईयर्स से ये चल रहा है। तो हम चाहता है कि आप हम लोग का कंसर्न को भी रखिए, हम स्पेशली हम अपना अरुणाचल का जितना अरुणाचल का जो गवर्नमेंट है, हम उसको टेक करना चाहते हैं, और आपको हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम ऐसा, हम लोग ऐसा कम्युनिटी वाला से बिलोंग करता है, हम लोग बहुत पीस वाला, पीस में हम लोग बहुत बिलीव करता है, लेकिन जिस दिन हम लोग आ गया, उतर के आ गया अपना जगह, डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग शुरू कर देगा, डेंजर वाला मूवमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। 29 मार्च 2023 को एक हिंदुस्तान टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि हमारा दिबंग वैली में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने जा रहा है। इससे पहले बहुत सारा कागज दौर भाग हम लोग का कम्युनिटी ने किया है ये टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। तो इसलिए मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब शुरू हुआ है, कैसे उसका प्रोसेस चल रहा है, मैं उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग का दिबंग वैली में 1991 में नोटिफिकेशन हुआ था, 4149 स्क्वायर मीटर डिक्लेयर करेगा बोल के। तो इसे 1998 में डिक्लेयर किया गया है, 1998 में डिक्लेयर किया गया है, पर इसमें जब हम इसको अच्छा से स्टडी करता है, या हम जब सभी बस्ती में हम लोगों ने ग्राम सभा किया, तो इसमें ये पाया गया है कि जो 1991 में नोटिफिकेशन और 1998 में जो डिक्लेयर किया गया है, इसमें गवर्नमेंट एक मतलब आपस में ही एक बिना पब्लिक को बता के
इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इसमें जो जो अफेक्टेड एरिया है हम लोग का ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, किसी को ऑफिशियली कंसल्ट नहीं किया गया है कि आपका ये बाउंड्री डिमार्केशन कहाँ करेगा। तो इसको लेके फिर 2015 में मासी मीना का द्वारा कोर्ट में पीएल फाइल किया गया है, फिर कोर्ट का थ्रू एक बोर्ड मेंबर बनाया गया है और उसमें सीओ मैडम भी था। तो इसको लेके 2017 में मीटिंग हुआ है जिसमें लगभग 70-60 अफेक्टेड आदमी लोग था उसमें। उसके बाद इसमें बोर्ड मेंबर का सर्वे का हिसाब से यही पाया गया है कि जितना भी गवर्नमेंट ने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन डाला है या तो जो भी नोटिफिकेशन किया है वो प्रॉपर वे से नहीं किया गया है। उसमें जो बोला गया था कि जो माइनर्स मीटिंग है वो भी जब ये कमिटी ने इसमें जब अपना सर्वे किया तो उनको माइनर्स ऑफ मीटिंग भी नहीं मिला किसी का। और इसमें ये भी बोला गया था कि एक टाइम दिया गया था ऑब्जेक्शन एंड क्लेम के लिए। तो इसमें ये बोला ये 1998 में ये बोला गया था कि पब्लिक का तरफ से ऑब्जेक्शन एंड क्लेम नहीं आया है, पर जब 2017 में जो बोर्ड मेंबर बैठा है उनका तरफ से जब सर्वे हुआ इंक्वायरी बैठा तो उन्होंने यही उनका लास्ट में यही बोला गया कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लेटर बहुत सारा आया है जो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, पर इन लोगों ने इसको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को डायरेक्ट इग्नोर कर दिया और पब्लिक को मतलब बताया नहीं है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का मतलब कारण क्या है और इसे छुपाया गया है। तो उसके बाद फिर 2015 के बाद फिर 2019 में भी एक मीटिंग कंडक्ट हुआ जिसपे डीसी सर खुद चेयरमैन था उस मीटिंग का, और इसमें एमएलए था आपका, पीसीसीएफ से आया हुआ था, डीएफओ का मेंबर बहुत सारा आया हुआ था उस पे। पर इसमें भी लास्ट रेजुलेशन जो यही निकला गया था कि सर्वे करना है और डिमार्केशन को सही से वापस करना है, क्योंकि डिमार्केशन भी अभी तक सही नहीं है इसको, और उसमें ये भी बोला गया कि डिपार्टमेंट का थ्रू जल्दी से जल्दी करना है। तो उसमें अभी तक डिपार्टमेंट ने किया नहीं है, पर इसी बीच में क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा इरादा लेके दिबांग वैली को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेगा बोलकर 2023 मार्च में हिंदुस्तान टाइम में पब्लिश किया, ये हम लोगों को आइडिया नहीं है। हम लोगों ने जितना बस्ती है जो अफेक्टेड है सभी जगह में जाके ग्राम सभा किया, बस्ती वाला का ओपिनियन लिया, सबका तरफ से जितना भी इदू कम्युनिटी है उनके तरफ से डायरेक्ट डिक्लेयर है कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं होगा हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि आप टाइगर रिजर्व डिक्लेयर भी नहीं होगा और आप पहले वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसको भी आप डिमार्केशन भी सही से किया नहीं है अभी तक, यही चीज़ आपका सॉल्यूशन में नहीं आया, तो आप कौन सा इरादा लेके आया कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेगा। और जितना भी ऑफिसर्स है इनका इंटेंशन मेरा सोसाइटी के लिए जो टाइगर रिजर्व अभी जो ये बात कर रहे हैं इंटेंशन सही नहीं है, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारा ऑफिसर्स है जब हम लोग का लोकल जाके बात लोकल हो गया हम लोग का जब आदमी जाके बातचीत करता है तो ये यही बोलता है कि हम लोग का आदमी को कि आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, मतलब इनडायरेक्टली लालच दे रहा है मेरा आदमी को, पर उनको ये नहीं बता रहा है कि मतलब इनका टाइगर रिजर्व एक बार डिक्लेयर हो गया तो इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो इसलिए और रिसेंटली मेरा जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला जैसा एक टाइगर हंटिंग भी हुआ है तो हम लोगों ने एमसू ने इसको गो थ्रू किया और इसको हम लोगों ने इंक्वायरी किया तो इसमें ये पाया गया है कि शिकारी और शिकार जो किया गया है वो मेरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहीं और में हुआ है इंसिडेंट जो, पर इसको गवर्नमेंट का तरफ से या तो उनका आदमी के तरफ से मैसेज ऐसा भेजा गया है कि ये शिकार और शिकारी जो दिबांग वैली का है जो हम लोग के ऊपर थोपना चाहता है कि हम लोग शिकार भी कर रहे हैं बोल के, तो उसका थ्रू से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए कर रहे हैं। इंक्वायरी कंप्लीट हुआ नहीं है फिर भी न्यूज़ चैनल में बैठ के हम लोग का सोसाइटी को आप ब्लेम कर रहा है,
उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि मतलब लोकल इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि वो बोल रहा है कि भाई भैया भी बोलता है, फिर शिकार भी कर रहा है। तो इसको लेके भी हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज किया है कि हम इदू सोसाइटी को इसको टोटली कंडेम करता है बोल के। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एमसू के तरफ से सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हम लोग ने राइटिंग में लेटर देना था दे चुका है, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे भी हम लेटर देगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती हम लोग को इम्पोज करेगा कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए, तब हम लोग का डायरेक्शन है कि आज तक मेरा कम्युनिटी कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया नहीं है, मैन हैंडल नहीं किया है, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स को जाके डराया धमकाया नहीं है, या तो कुछ भी नहीं बोला, जो भी किया है हम लोग लिखित में किया है। पर अभी यहाँ से मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि अगर हम लोग को ज़बरदस्ती करता है तो हम वो हद तक जाएगा जो आज तक आपने महसूस नहीं किया होगा और सोचा नहीं होगा कि इदू कम्युनिटी कौन हद तक जा सकता है। हो सका तो मैं यहाँ से ही बोल देता हूँ कि हो सका तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का ये भी हो सकता है कि जो यहाँ में कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको मैं हफ्ता भर महीना भर भी बंद करके रख दूंगा, उसमें भले ही हम लोग को कुछ भी सहना पड़े वो हद तक हम लोग चला जाएगा। और इसको लेके कुछ और डिटेल्स में हम लोग का एडवोकेट सर आप लोगों को समझा देगा। बेसिकली जो मेन मुद्दा था वो जो बोलना था जीएस सर और प्रेसिडेंट सर ने बोल दिया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कोर इश्यूज है जो हम हाईलाइट करना चाहता है। वो है पहली बात, जब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करता है तो उसमें एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को आपको प्रॉपरली फॉलो करके एज पर द FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसका हिसाब से आपको प्रोसीजर फॉलो करके ग्राम सभा बिठा करके वहाँ गांव का जो भी सभी मेंबर्स है, गांव बुरा से एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको कॉन्फिडेंस में लेते हुए आपको ग्राम सभा रेजोल्यूशन मीटिंग ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है। लेकिन आज का डेट में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज तक एक प्रॉपरली डिमार्केशन नहीं हुआ है। जब प्रॉपरली डिमार्केशन नहीं हुआ तो आप कैसे ये चीज़ को टाइगर रिजर्व नोटिफाई कर सकता है। आज का डेट में आप देखिए 4149 स्क्वायर किलोमीटर जो है दिबांग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गिरता है, जबकि दिबांग वैली का टोटल एरिया है 9129। ऑलरेडी विलेज फॉरेस्ट रिजर्व कैंपा और NHPC ये सब को देख करके अभी हम लोग के पास बचा तो क्या बचा है, ऑलमोस्ट 20-30%। तो कल को जाके अगर गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देता है तो हम लोग का मट्टी नहीं बचता है। जब टाइगर रिजर्व इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, अब उसमें जा भी नहीं सकता है, हंटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, और एक ऐसा रहता है इको सेंसिटिव जोन, वहाँ जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब देखिए हम ट्राइबल्स पूरा टोटली डिपेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, नेचर से जो मिलता है उससे हम लोग अपना फैमिली चलाता है, बिजनेस करता है, लाइवलीहुड उसी पर डिपेंडेंट है। जब आप इस तरह से फोर्सफुली इम्पोज करेगा, जबकि हमने जिस तरह से बताया ये जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रॉपरली डिमार्केशन नहीं हुआ है, उसको लेकर के बहुत सारा प्रोसीडिंग्स हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का 2019 का जो माइनेंसो मीटिंग है उसमें क्लियरली बोलता है कि टाइगर रिजर्व दिबांग टाइगर रिजर्व जो डिक्लेरेशन हुआ ना वो उसमें फ्लोज है, प्रॉपरली डिमार्केशन नहीं हुआ है, तो इसमें क्या ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट ये हम सबको समझना पड़ेगा वो है टाइगर रिजर्व वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पे टाइगर्स का खतरा है, लेकिन हमारा कम्युनिटी में कोई खतरा नहीं है। आप सभी को पता है, या तो आप कहे आप लोग ने कहीं सुना होगा या पढ़ा भी होगा, इदू कम्युनिटी टाइगर को अपना भैया मानता है, बॉर्न आउट ऑफ सेम मदर। टाइगर का मानना हम लोग एकदम ग्रेव सिन मानता है, टाइगर को मारना या तो
उसको हंट करना, इसको बिल्कुल हम अपना सोसाइटी में एकदम रिचुअली इसको मना है। इनकेस एक्सीडेंटली आप मार भी देता है, जैसे कि कोई इंसान मर गया तो उसमें जिस तरह से 5-6 दिन फ्यूनरल होता है, उस तरह का हम लोग को एक रिचुअल को मानना पड़ता है। तो सवाल इसमें आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या हम लोग को ज़बरदस्त हम लोग के ऊपर इस तरह से इम्पोज कर रहा है क्या, कि हम लोग का क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है क्या, हम लोग का जीने का हक नहीं है क्या, हम लोग अपना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का हक नहीं है क्या, आप इस तरह से ज़बरदस्त इम्पोज कर रहा है जबकि आपको पता है कि इसमें फ्लॉज है। पहले तो आप ये चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। 2019 का माइनसो मीटिंग में क्लियरली मेंशन करा हुआ है ये जो 4129 स्क्वायर किलोमीटर जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ रहा है उस चीज़ को मिनिमाइज करके 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक किया जाने से अच्छा रहेगा। और ये चीज़ को जिस तरह से प्रेसिडेंट सर ने मेंशन किया है उसमें क्लियरली बोला कि जो हुआ है तो पब्लिक का ग्रीवांसेस को प्लेस करने का मौका नहीं दिया। अगर पब्लिक ने ग्रीवांसेस को प्लेस भी किया था लेकिन उसको सुना नहीं गया, जबकि ऑलरेडी एक कानून है उसका प्रोविजंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए उसका बेसिस में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। लेकिन आज का डेट में हमको देखने को मिलता है और 29 मार्च को हिंदुस्तान टाइम में इस तरह का एक आर्टिकल आता है जिसमें कहता है कि सेंटर इज़ लाइकली टू नोटिफाई टाइगर रिजर्व इन दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, जिस तरह से हम लोग अपना ग्रीवांसेस को प्लेस कर रहा है, जिस तरह से हम लोग ने हाई कोर्ट में जा करके पीआईएल करा, पीआईएल का चलते 2019 का जो माइन्यूट ड्रॉ हुआ है उसमें क्लियरली बोला गया कि इसको रीमैपिंग करना ज़रूरी है, प्रॉपर डिमार्केशन करना होगा। और उसमें पीसीसीएफ का हाई ऑफिशियल्स था, लोकल रिप्रेजेंटेटिव था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें क्लियरली डिस्कशन हुआ कि ये चीज़ को करना है। पहले आप ये माइनसो मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया वो चीज़ को तो इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आप बाकी बात जो करना है वो चीज़ कीजिए। चलो आप टाइगर रिजर्व करना भी चाहता है, पहले ये ग्राउंड इशू को तो सेटलमेंट होना पड़ेगा ना। तो इस तरह से हम लोग का अगेंस्ट में अभी रिसेंटली जिस तरह प्रेसिडेंट सर ने मैंशन किया, पीसीसीएफ का एक हाई ऑफिशियल कॉमेंट करता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि वहाँ का लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटी इन्वॉल्व है, उसी ने मारा दिबांग वैली। लेकिन भले इन्वेस्टिगेशन अभी तक पेंडिंग है लेकिन ये प्राइम एफएससी ये चीज़ क्लियर हो गया कि हंटिंग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं हुआ, हंटिंग हुआ है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी जो एक्यूज थे उनका अरेस्ट भी हो गया। तो इससे क्लियर प्रूफ होता है कि जो पीसीसीएफ का जो ऑफिशियल है उनका जो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है वो कम्युनिटी का सेंटिमेंट को कितना हर्ट किया, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन का, बिना कोई प्रूफ का, बिना कोई छानबीन का, बिना कोई कॉन्क्रीट एविडेंस का आप किस तरह से इस तरह इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकता है। जबकि जिस तरह से मैंने बताया टाइगर को हम लोग एक ब्रदर मानता है, अपना कम्युनिटी में टाइगर को इस तरह से पोचिंग करना, किलिंग करना तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा में इस तरह से गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाने का कोशिश करता है वो हम लोग बिल्कुल कंडेम करता है। हम लोग ऐसे स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट एपेक्स कम्युनिटी बिल्कुल कंडेम करता है इस तरह का इलीगल और इस तरह का इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑफिशियल्स से फिर नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं जिस तरह से जो ऑफिशियल ने इस तरह से स्टेटमेंट दिया है वो कम्युनिटी का कल्चरल एथिक को अपने हर्ट किया है। तो अभी दूसरा फैक्ट मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ वो है अभी जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बात करा वो है अपर तरफ पड़ता है दिबांग वैली, और लोअर दिबांग वैली का टोटल एरिया है 3900 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें आप देख लीजिए मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी एरिया तो इसमें कवर हो गया, और देवपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाल्पी पर्पस प्रोजेक्ट और बहुत सारा कैंपा विलेज रिजर्व फॉरेस्ट में कैंपा का जो प्लांटेशन होता है। तो ऑलरेडी आउट ऑफ 3900 स्क्वायर किलोमीटर से ऑलरेडी 70-80% तो गवर्नमेंट का हाथ में है। सेम केस दिबांग वैली का भी वही हालत है जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो क्या हम गवर्नमेंट से हम ये सवाल करना चाहते हैं क्या
इदू मिश्मी कम्युनिटी को आप प्यार नहीं करते क्या? इदू मिश्मी कम्युनिटी को क्या आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट करके हम लोग को भी टाइगर बनाना चाहता है क्या? हम लोग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? हम लोग का कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज़ नहीं है क्या? जबकि हम अपील कर रहे हैं बार बार। रिसेंटली आईएमसू इदू मिश्मी एलाइज सोसाइटी इनका ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन किया है अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को, ऑनरेबल एमएलए को और कंसर्न जो ऑफिशियल्स को, उसमें हम लोग ने क्लियरली ये लिखा है कि आप काइंडली जो नोटिफिकेशन का बात चल रहा है वो चीज़ को विथहेल कीजिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम लोग होने भी नहीं देगा। हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी दे चुका है, मोर देन इनफ दे चुका है। आप आज का डेट से और हम लोग अपना लैंड राइट्स से और लैंड राइट्स का और खोना नहीं चाहता है। और जिस तरह से लैंड एलियनेशन का अटेम्प्ट चल रहा है, अपना लैंड राइट्स को छीनने का कोशिश किया जा रहा है, वो चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है टिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फैक्ट फाइंडिंग करा, रिसर्च किया। उसमें वो लोग ने क्या किया, एक पूरा कैमरा ट्रैपिंग किया है। कैमरा ट्रैपिंग इसलिए किया, उनको देखना था कि सच में टाइगर्स कितना है, वेदर टाइगर्स दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ज़्यादा है या कम्युनिटी के अंदर। तो कंक्लूजन में ये आता है कि आउट ऑफ 170% जो है टाइगर कम्युनिटी लैंड में घूम रहा है, कम्युनिटी एरिया में कैप्चर किया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से क्या होता है, वंस आप टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देता है तो आप वहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके अलावा टाइगर जहाँ जहाँ घूमेगा वो एरिया को भी आप टाइगर रिजर्व, एक टाइगर कॉरिडोर डिक्लेयर करेगा। तो अभी साइंटिफिकली हम लोग ने प्रूव कर दिया, जो रिसर्च स्कॉलर्स ने प्रूव करा हुआ है कि कम्युनिटी एरिया में 70% टाइगर है, तो कल को जाके इसको भी टाइगर रिजर्व कॉरिडोर डिक्लेयर कर देता है तो इंसान कहाँ जाएगा? ये हम लोग को और डीपली सोचना पड़ेगा और इदू मिश्मी कम्युनिटी का सभी इंडिविजुअल्स को थोड़ा सोचना है और सबको आवाज़ उठाना है। ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट यूनियन उठा रहा है या तो आई एम सिलेस, ये सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर किसी को आगे आना पड़ेगा, अपना राइट्स को, अपना फ्यूचर को समझना पड़ेगा कि हम आज का डेट में ये इश्यूज़ को क्यों रेज कर रहा है, हमको किस तरह से इंटरफेयर करना चाहिए अपना फ्यूचर को बचाने के लिए। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो हमने ऑलरेडी बता दिया। तो और लास्टली एक ही पॉइंट बस करके हम कंक्लूड करना चाहेंगे, वो है, फिर से मैं रिपीट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेमेनिकली और कल्चरली हम टाइगर को अपना भाई भैया मानता है। आप टाइगर रिजर्व को वहाँ ले जाए जहाँ पे प्रोटेक्शन का ज़रूरी है, हमारा कम्युनिटी में ज़रूरी नहीं है, हम पहले से कोएग्जिस्ट करते आए हैं। चलो आप टाइगर रिजर्व डिक्लेयर भी करता है तो आपको ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जो कम्युनिटी का राइट्स का राइट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, उसका राइट्स को वायलेट हो रहा है कि नहीं। तो अब फॉर द सेक ऑफ टाइगर आप कम्युनिटी का राइट्स को तो नहीं छीन सकता, उनका जो फंडामेंटल राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जिसको तो आप छीन नहीं सकता। तो ये सब कह के मैं अपना पॉइंट्स को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। We oppose tiger reserve. We oppose tiger reserve. No to tiger reserve. No to tiger reserve. We oppose tiger reserve.